पाकिस्तानी एक्ट्रेस तो आपने कई देखी होंगी, जिनके खूबसूरती को देखकर आपने माशाल्लाह भी जरूर कहा होगा। इन्हीं ब्यूटी के बीच एक नाम आता है हानिया आमिर का, जिन्हें आप उनके सीरियल मेरे हमसफर के लिए तो जरूर जानते होंगे। लोग इन्हें इनके रियल नेम से ज्यादा इनके कैरेक्टर हमजा के नाम से जानते हैं। हानिया को इंडियन एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ भी काफी कंपेयर किया जाता है, और इस कंपैरिजन को लेकर हानिया खुद को काफी लकी समझती है कि उन्हें इतने बड़े सेलिब्रिटी से कंपेयर किया जाता है। आज ये पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस के लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराती है। क्या आपको पता है आखिरकार क्यों हानिया को काफी कम उम्र से ही मैच्योर होना पड़ा था, और कैसे उनकी एक लिपसिंग वीडियो ने उन्हें स्टार बना दिया? क्या है हानिया की लाइफ की पूरी स्टोरी, और कैसा था उनका बचपन, और आखिरकार क्यों उन्हें काफी कम उम्र में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ी, और साथ ही साथ कैसी रही इनकी अब तक की लाइफ जर्नी? हानिया आमिर के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी अनजानी बातों को जानने के लिए आप बने रहे इस वीडियो के एंड तक। हानिया की खूबसूरती का क्या ही कहना, उन्हें देख तो फैंस की नजरें हटाए नहीं हटती है। सोशल मीडिया पर भी हानिया की लुक्स और ब्यूटी की लोग तारीफ करते नहीं थकते। जिस एक्ट्रेस के हुस्न के इतने चर्चे हो रहे हैं, तो चलिए जानते हैं उनके लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। खूबसूरत सी क्यूट सी एक्ट्रेस हानिया का जन्म 12 फरवरी 1997 को पाकिस्तान में हुआ था। साल 2023 के हिसाब से ये है 26 साल की। उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक यंगर सिस्टर भी है, जिसका नाम है आयशा आमिर। हानिया अपने माँ और बहन के साथ ही रहती है, हालांकि वो अपने फादर के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करती। लोगों के सोशल मीडिया पर उल्टे पुल्टे कमेंट पढ़ने के बाद हानिया ने कहा कि उनके फादर अभी जिंदा हैं और हेल्दी भी हैं। किसी पर्सनल रीजन की वजह से वो उनके साथ नहीं रहते, लेकिन वो अपने फादर से बेहद प्यार करती है। घर के ऐसे हालात और घर की बड़ी बेटी होने की वजह से जिम्मेदारियों ने हानिया को समय से बहुत पहले ही काफी ज्यादा मैच्योर बना दिया, और इस मैच्योरिटी को हानिया पर्सनली काफी पसंद करती है। और वो कहती है कि यही रीजन है कि शायद मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं। और हानिया को ही अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी, साथ ही साथ उन्हें ही घर के खर्च भी चलाने पड़ते थे, और पैसों की कमी के वजह से उन्हें बीच में ही अपने स्टडी को ड्रॉप आउट करना पड़ा, जिसके बाद वो पैसे कमाने और एक्टिंग करने निकल पड़ी थी। और वो कहती है कि अपने इस स्ट्रगल के दौरान उन्हें बहुत जल्द काम मिलना भी स्टार्ट हो गया, जिस वजह से वो खुद को काफी लकी मानती है। और साथ ही साथ वो बताती है वो अपने कॉलेज ड्रॉप आउट के बारे में हमेशा खुलकर बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि हानिया बताती है कि पढ़ाई इंसान के लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाती है, इस वजह से सभी को अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहिए, और मेरी वजह से किसी की भी लाइफ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं अपने स्टडी ड्रॉप आउट के बारे में खुलकर बात करना पसंद नहीं करती। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में। हानिया की एक्टिंग करियर की शुरुआत उनके स्कूल डेज में ही हो गई थी, जब वो अपने स्कूल में हो रहे थिएटर में पार्टिसिपेट ली थी। इसके बाद मानो इनका एक्टिंग का शुरुआत हो गया। हानिया को लाइमलाइट कैसे मिली, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हानिया को डब मैच की वजह से फेम मिला। उनके डब मैसेज काफी वायरल हुए, तब जाकर प्रोड्यूसर इमरान काजी की हानिया पर नजर पड़ी, जो एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर थे। उन्होंने हानिया को पाकिस्तानी कॉमेडी फिल्म जनान में कास्ट कर लिया, और इस फिल्म में हानिया का सपोर्टिंग किरदार था। अपने इस रोल के लिए हानिया को लक्स स्टाइल अवार्ड का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेशन भी मिला था। इसके बाद हानिया तितली शो में दिखी और अपनी एक्टिंग से दर्शकों को इम्प्रेस कर दिया। इसके बाद से हानिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद फिर वो साल 2017 में टेलीविजन सीरियल फिर वही मोहब्बत में हसीबा अजहर के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आई, और फिर से इन्होंने एक बार इस सीरियल से सभी का दिल जीत लिया, और इस सीरियल में काम करने के बाद इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। इसके बाद हानिया फिल्मोग्राफी में सुपरस्टार लॉर्ड वेजिन, परवान है, जुनून, नामालूम अफराद 2 जैसी मूवीज में नजर आई। हानिया फिर काफी सारे टेलीविजन सीरियल्स का भी हिस्सा रही, जैसे फिर वही मोहब्बत, मुझे जीने दो, विशाल, अन्ना, इश्किया, दिलरुबा
और भी काफी सारे। हानिया को इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी तब मिली जब साल 2021 में इनका सीरियल मेरे हमसफर आया था और इस सीरियल को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी काफी देखा गया था और इस सीरियल के बाद ही इनको इंडिया में काफी पहचान मिली और आज भी लोग इन्हें रियल नेम से ज्यादा हाला के नाम से जानते हैं। और करंटली ये टेलीविजन सीरियल मुझे प्यार हुआ था में माहिर के कैरेक्टर को प्ले कर रही है और ये टेलीविजन सीरियल भी इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहा है। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी तो हानिया अनमैरिड है लेकिन इनका नाम सिंगर अजीम अजहर के साथ जोड़ा गया था। हालांकि हानिया ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने कहा कि अजीम उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। खूबसूरत सी प्यारी सी हानिया सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं, जहां पर ये आए दिन अपने लविश डबिश फोटोज वीडियोस अपने फैंस के लिए शेयर करती रहती है और इंस्टाग्राम पर इनके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हानिया अपने फ्री टाइम में पेंटिंग बनाना और साथ ही साथ बुक पढ़ना काफी पसंद करती है। साथ ही साथ हानिया एनिमल लवर भी है। हानिया का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है जहां पर वह अपने लाइफस्टाइल से जुड़ी ब्लॉग्स भी अपलोड करती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हानिया आमिर के लाइफ स्टोरी से जुड़ी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।